न्यूज के खबरें सुपर फास्ट में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। बालाघाट पुलिस ने बेहर तहसील के सहजना चापुल गांव सहित अन्य जगहों पर छापामार कार्रवाई करते हुए जिले में नकली नोट खपाने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में नकली नोट खपाने वाले गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5 करोड़ 8 लाख से अधिक राशि के नकली नोट बरामद किए हैं। नीम एक बहुउद्देशीय औषधीय वृक्ष है। नीम के पत्ते, फल, छिलके के कई औषधीय उपयोग है। नीम के पेड़ की बहुलता को ध्यान में रखते हुए नागपुर नगर निगम को इस पेड़ की खेती और अगली पीढ़ी को इसके महत्व से अवगत कराने के उद्देश्य से नीम के पेड़ को राष्ट्रीय विरासत वृक्ष घोषित करना चाहिए। कोविड संक्रमण का प्रकोप धीरे धीरे कम होता देख सरकार ने नियमों में ढील दी है, लेकिन संक्रमण बचाव के उपाय अपनाने पर अब सरकार और प्रशासन का बहुत जोर है ताकि हालात आगे चलकर ना बिगड़े। लेकिन कुछ लोग नियमों का दरकिनार कर संक्रमण को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा शहर के उदखाना मेडिकल चौक स्थित ट्रिलियम मॉल में देखने को मिला। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि विदर्भ और मराठवाड़ा के उद्योगों को बिजली दरों में दी जा रही छूट को आगे भी बरकरार रखने पर राज्य सरकार गंभीर है, जल्द इस संदर्भ में उचित निर्णय लिया जाएगा। रविवार को नागपुर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों व विभिन्न ट्रांसपोर्ट संगठनों के पदाधिकारियों की एक मीटिंग का आयोजन भारत ट्रक ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय चेयरमैन किताब सिंह चौधरी की अध्यक्षता में नागलवाड़ी में किया गया एवं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से संबंधित कई समस्याओं पर चर्चा की गई। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर कौन नहीं रहता है, लेकिन जांच एजेंसियों और आम जनता के लिए पहले ही मुश्किल और तनावपूर्ण बनी हुई साइबर क्राइम ने एक नया मोड़ दिया है। शहर के लोगों के नाम पर सेक्स रैकेट चलाए जा रहे हैं, जिसमें ज्यादातर शहर के प्रतिष्ठित लोगों के नाम पर है। इस महीने शहर में कुछ ऐसे ही 3 मामले सामने आए, जिसमें बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक किए जाते हैं। अपराधियों की टोली ने सेंधमारी की वारदातों को अंजाम देने के लिए ओला कैब बुक की। चालक को हथियार की नोक पर शहर भर घुमाते रहे, कुछ हाथ नहीं लगा तो कैब चालक को ही लूट किया और उसका वाहन छीन कर भाग निकले। बजाज नगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले धनगरपुरा अत्र लेआउट निवासी आकाश अशोक वर्मा उम्र 27 साल पर आरोपी राजू बेरी प्रसाद सिरसाम ने अपने नाबालिग लड़की से मिलने के कारण आकाश पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर घायल किया है। आरोपी राजू बेनी प्रसाद सिरसाम और उसकी पत्नी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बीसीएन न्यूज की खबरें सुपर फास्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।